Infinix Note 10 अनबॉक्सिंग वीडियो इन 2021। सो फाइनली इंडिया में Infinix की तरफ से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, विच इज़ Infinix Note 10। ये Infinix की तरफ से दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। फर्स्ट है Infinix Note 10, विच इज़ दिस वन, एंड सेकेंड है Infinix Note 10 Pro। Infinix Note 10 का जो प्राइस टैग है ये है, एक तरीके से दो वेरिएंट में अवेलेबल है, यानी कि ये जो Infinix Note 10 है ये भी दो वेरिएंट में अवेलेबल है। फर्स्ट है Infinix Note 10 का 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, एंड सेकेंड वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज। तो ये जो वेरिएंट है Infinix Note 10 का 6GB रैम और 128GB स्टोरेज है, तो ये आपको ईजिली फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल मिल जाएगा, और अगर आप इंडिया में रहते हैं तो। तो ये जो स्मार्टफोन है, ये जो मैंने परचेस किया है, ये 12,000 रुपीज़ का है, एंड यहाँ पर आपको बैक साइड में मिलता है इसका प्रोस्पेक्स, यानी कि इसमें आपको 6.95 इंच का, यानी कि ऑलमोस्ट 7 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। मीडियाटेक का इसमें प्रोसेसर आता है, विच इज़ G95, और इसमें आपको गेमिंग के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। गेमिंग आपका इसमें स्मूथ एंड सॉफ्ट चलेगा विदाउट एनी लेटेंसी। सेकेंड इसमें थर्ड जो है वो है इसमें कैमरा, 48 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा है, एंड फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। बैटरी इसमें आता है 5000 mAh का बैटरी, और ये एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्ज़न एंड्रॉयड 11 पर कम्प्लीटली बेस्ड है, और ये इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही हुआ है। फ्लिपकार्ट से अगर आप इसे परचेस करेंगे 6GB रैम और 128GB स्टोरेज, तो ये आपको 12,000 रुपीज़ कॉस्ट होगा इसका। और अगर आप इसका 4GB रैम और 64GB वाला वो वेरिएंट परचेस करते हैं, तो उसमें आपका जो कॉस्ट पड़ेगा 11,000 रुपीज़। Infinix Note 10 तीन कलर के साथ में अवेलेबल है। फर्स्ट है पर्पल, जो कि है ये पर्पल कलर, सेकंड है ब्लैक, और थर्ड है ग्रीन कलर। तो ये जो वेरिएंट, ये जो कलर है, ये Infinix Note 10 का पर्पल कलर है, विच इज़ 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में। इसमें आपको मिडल में कैमरा मिलता है। तो लेट्स इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। बेसिकली Infinix के जो ब्रांड है, Infinix के सारे स्मार्टफोन्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये है Infinix का फर्स्ट लुक Note 10 का, और इस पर ही आपको आधे स्पेक्स मेंशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्मार्टफोन है इसे आप एक हाथ से कैरी नहीं कर सकते, एक हाथ से आप प्रॉपरली इसे चैट नहीं कर सकते, तो आपको दोनों हाथों का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें आपको ऑलमोस्ट 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो कि आज तक किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलता। और जहाँ तक अगर मैं कहूँ तो ये ऑलमोस्ट टैबलेट की तरह इसका आपको लुक देखेगा, और इसमें बेसिकली आपको मूवीज़ और गेम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, बिकॉज मूवीज़ इसलिए बड़ा स्क्रीन है, और गेमिंग इसलिए बिकॉज इसमें आपको प्रोसेसर स्पेशली गेमिंग के लिए स्मूथ मिलता है, 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। सो नाउ एज यू कैन सी, तो बैक साइड में आपको ये है पर्पल कलर, इसमें आपको टोटल 4 कैमरास मिलते हैं और LED फ्लैशलाइट। यहाँ पर राइट साइड में है सिम टूल, देन सॉरी सिम इजेक्टर, एंड देन पिन डालने के लिए। डाउन साइड में है हेडफोन जैक, चार्जिंग पोर्ट, ये टाइप सी है, इसमें आपको नॉर्मल USB-A नहीं मिलता है, इसमें आपको टाइप सी आता है। देन इसके बाद यहाँ पर यह है स्पीकर, एंड यहाँ पर है पावर बटन, ये पावर बटन प्लस फिंगरप्रिंट दोनों का काम करेगा, और ये वॉल्यूम बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको हाथ में जब आप कैरी करेंगे तो थोड़ा सा आपको ये हैवी लगेगा, बट इम्प्रेशन अच्छा हो गया, बिकॉज इस पर आप जब इसको अपने शो ऑफ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बिकॉज ये दिखने में एकदम स्टाइलिश दिखता है। यहाँ पर टॉप साइड में आपको बीच में कट मिलता है, जिसमें आपको टॉप साइड में थोड़ा अलग डिज़ाइन मिलता है, एंड डाउन साइड में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है। ये थोड़ा लाइट दिखता है और ये थोड़ा सा आपको डार्क दिखता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। दैट्स इट। और मिडल में यहाँ पर कैमरा है। तो लेट्स अभी इसको मैं ऑन कर लेता हूँ।
यहाँ पर अगर आप ऐसा कोई स्मार्टफोन सर्च करें जो आपको कम प्राइस में काफ़ी अच्छा फीचर्स प्रोवाइड करें और अफोर्डेबल प्रोवाइड करें, तो ऐसे में आप इन्फिनिक्स के ब्रांड के लिए जा सकते हैं, बिकॉज इन्फिनिक्स के और टेक्नो के ये दोनों जो स्मार्टफोन कंपनी है ये नए हैं और बेसिकली बहुत ही कम प्राइस में आपको ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि आजकल के जा रहे जितने भी जो फेमस ब्रांड है यानी कि स्मार्टफोन्स हैं उनमें आपको ज़्यादा प्राइस में कम फीचर मिलता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, विच इज़ कम्प्लीटली यूजफुल। तो इसका जो सेटिंग अप का प्रोसेस है वो मैंने कम्प्लीट कर लिया ताकि टाइम यहाँ पर वेस्ट ना हो। एंड नाउ एज यू कैन सी, ये है इन्फिनिक्स नोट 10 का एग्जैक्ट लुक। फर्स्टली इसमें जो इसका जो इम्प्रेशन है, यानी कि जब आप इसको यूज़ करोगे, हाथ में कैरी करोगे, तो इसका जो जितना भी स्वाइपिंग का जो प्रोसेस है एकदम स्मूथ है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा इसे यूज़ करते वक्त। एंड यहाँ पर अगर मैं डाउन सेट में इसे करूँ तो ये है इसका एग्जैक्ट नोटिफिकेशन बार सेटिंग्स, एज यू कैन सी दैट। तो ये स्मार्टफोन इजीली फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर ये वाला वेरिएंट है, ये वाला, दैट्स इज ऑल अबाउट एज यू कैन सी दैट। अगर मैं इसके सेटिंग्स में जाऊँ तो सेटिंग्स का जो लुक है वो आपको इस तरीके से मिलता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको एनिमेशंस जो जेस्टर्स मिलते हैं वो एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स के जो प्रीवियस वाले ब्रांड है, यानी कि इन्फिनिक्स नोट 7, उसके कंपेयर में आपको यहाँ पर कम्प्लीटली डिफरेंट मिलता है। बिकॉज ये इसलिए बिकॉज ये एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है, एंड्रॉयड 11 है, इसलिए आपको इसमें ये सारे फीचर्स मिलते हैं जो कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशंस और जेस्टर्स के साथ में अवेलेबल है। एंड नाउ यहाँ पर ये है इसके एग्जैक्ट स्पेक्स, एज यू कैन सी दैट। और ये है एंड्रॉयड 11, अगर मैं इस पर टैप करूँ तो ये है एंड्रॉयड 11। अभी प्रीवियसली एंड्रॉयड्स के कई सारे से वर्जन्स के नाम आते थे, जैसे कि जेलीबीन, ओरियो, नोगट, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है, अब डायरेक्टली नंबर्स आने लगे। प्रीवियसली तो जो था वो एंड्रॉयड 10 था और अभी ये एंड्रॉयड 11। सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आते रहते हैं तो इट्स नॉर्मल। और साथ में यहाँ पर आपको वारंटी कार्ड एक्सेस मिलता है, तो आपको अगर अपना वारंटी कार्ड अगर आपको चाहिए, कभी भी स्मार्टफोन में प्रॉब्लम आता है तो ये वारंटी कार्ड को आपको ज़रूर एक्टिवेट करा लेना है। यहाँ पर आपको प्रोसेस, जब आप इस व्यू डिटेल्स पर टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वारंटी कार्ड्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेक श्योर अगर आप इन्फिनिक्स नोट 10 परचेस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको स्मार्टफोन ऑन करते आपको अपना जो वारंटी कार्ड है इसे आपको यहाँ से एक्टिवेट करा लेना है, बिकॉज फिर आपको वारंटी मिल जाएगा और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसमें फिर से आपका जो सर्विसिंग है वो फ्री में होगा, विच इज़ कम्प्लीटली यूजफुल। एंड नाउ एज यू कैन सी इसमें आपको 6 GB रैम मिलता है एंड 128 GB स्टोरेज। 128 में आपको पूरा 128 नहीं मिलेगा, तो इसमें से आपको थोड़ा सा 10 से 12 GB रिड्यूस करके मिलेगा, सो कीप इन माइंड। अब यहाँ पर ये तो सिर्फ इसका एक नॉर्मल सा अनबॉक्सिंग वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में और भी कवर करूँगा जिसमें मैं इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके फीचर्स के बारे में और इसके हर एक डेप्थ फीचर्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको इन्फिनिक्स नोट 10 को लेकर और भी कुछ क्वेरीज होती है, और भी कुछ डाउट होता है और भी कुछ आपको जानना होता है, तो यू गाइस कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर अकाउंट, तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बट स्टिल अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज है आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अवेलेबल होता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक और स्मार्टफोन है विच इज़ टेक्नो स्पार्क पावर 2, जिसका जो डिस्प्ले साइज़ है ये 7 इंच का डिस्प्ले है, इसलिए ये इसको अगर मैं इससे कनेक्ट करूँ तो थोड़ा सा ये जो स्मार्टफोन है थोड़ा वाइडर है, बट इसका 6.95 इंच का डिस्प्ले है। इन्फिनिक्स के मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन में इसलिए परचेस करता हूँ बिकॉज ये जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करता है वो बड़े बड़े डिस्प्ले वाले करते हैं, तो इसलिए मैं इसके स्मार्टफोन को परचेस करता हूँ। साथ ही साथ ये कम प्राइस में अच्छा मुझे फीचर्स प्रोवाइड करता है
And that is one more reason why I buy this Infinix smartphones. That's it's all about. इसके अलावा आपको यहाँ पर बॉक्स में और भी चीज़ें मिलती है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पर आपको मिलता है चार्जर। यह चार्जर 18 वॉट का फास्ट चार्जर है और इसमें आपको नॉर्मल वाले केबल नहीं मिलता है, ये कम्प्लीटली टाइप सी है, यानी कि इसका मुँह बड़ा है। और साथ में यहाँ पर यूज़र मैनुअल्स मिलता है एज यू कैन सी। एंड ये है स्क्रीन बैक कवर, और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है एवरेज है, नॉट गुड नॉट बैड। एंड देन वन मोर थिंग विच इज स्क्रीन प्रोटेक्टर, दैट्स इट। इसके अलावा और बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। सो दैट्स इट ऑल अबाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।